एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सहजनवा थाने में गुरुवार को आपस में मारपीट करने वाले प्रभारी निरीक्षक अंजुल चतुर्वेदी व उप निरीक्षक राम प्रवेश सिंह को निलंबित किया। आपको बता दें कि गुरुवार को सहजनवा थाना परिसर में दरोगा राम प्रवेश सिंह फरियादियों के साथ बैठे थे। थानेदार अपने कक्ष से निकलने के बाद किसी कार्य से दरोगा को आवाज लगाने लगे। कई बार बुलाने पर दरोगा ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए। लोगों के अनुसार थानेदार ने दरोगा से बात नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए सवाल किया। दोनों में बातचीत का लहजा इतना बिगड़ गया कि तुम तड़ाव में हो बात होने लगी। इसी दौरान दरोगा ने थानेदार पर हाथ छोड़ दिया और दनादन 4-5 हाथ थप्पड़ मार दिया। थाना परिसर में ही थानेदार की पिटाई देख फरियादी भी अवाक रह गए। मारपीट होते देख थाने का मुंशी भाग कर पहुंचा और दरोगा को दोनों हाथों से पकड़ कर दूर किया। थानेदार और दरोगा दूर होने के बाद भी एक दूसरे पर अब शब्दों की बौछार करने लगे। अन्य पुलिस कर्मियों के बार बार कहने के बाद दरोगा अपने आवास में गए और थानेदार अपने कक्ष में बैठ गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी और सीओ कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा कि जांच की गई है, दरोगा ने अनुशासनहीनता किया है। कार्रवाई के लिए रिपोर्ट एसएसपी को भेजी जा रही है, जिसका शुक्रवार को एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए सहजनवा थाना प्रभारी अंजुल चतुर्वेदी और उप निरीक्षक राम प्रवेश सिंह को निलंबित कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, कल थाना सहजनवा पे वहाँ के थाना प्रभारी और एक सब इंस्पेक्टर के बीच में विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर जाकर के एसपी नॉर्थ साहब द्वारा और सीओ कैंपियरगंज द्वारा एक जांच की गई। जांच में दोनों जो एसएचओ हैं और एक सब इंस्पेक्टर हैं, इन दोनों का दोष पाया गया। इनके विवाद की वजह से वहाँ पर पुलिस की छवि धूमिल हुई, जिसके चलते इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और विभागीय जाँच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस जैसे अनुशासित बल में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, यदि होती हैं तो उनके ऊपर प्रभावी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पुलिस एक अनुशासन के आधार पर चलने वाला बल है और अनुशासनहीनता का कोई भी स्कोप इसमें नहीं है। यदि कोई अनुशासनहीनता इस तरह की स्थिति में आता है, ऐसी कोई घटना प्रकाश में आती है, तो तत्काल और कठोर कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी।